यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। फिर ये मंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों से बातचीत और उनको निकालने के प्रबंध कराएंगे। इनको भारत का विशेष दूत बनाकर भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक वैकल्पिक रेल रूट की भी पहचान की है। ये रेल रूट पश्चिमी यूक्रेन के उज़होरोड से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें ये फैसला हुआ कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह निकासी मिशन के तहत छात्रों की मदद करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, वहीं किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुई जंग का आज 5वां दिन है। फिलहाल रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। सोमवार सुबह भी वहां धमाके सुने गए। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया हुआ है। इसके तहत 6ठी फ्लाइट भी भारत में लैंड कर चुकी है, जिसमें 240 भारतीय लौट कर आए हैं। इनको बुडापेस्ट हंगरी के रास्ते लाया गया है। सरकार ने यूक्रेन से निकाले जा रहे छात्रों के लिए कोविड नियमों में छूट दे दी है। इसके तहत फ्लाइट में बैठने से पहले आरटीपीसीआर निगेटिव होने की शर्त को हटा दिया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड भी नहीं करने होंगे। जो छात्र कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें 14 दिन सेल्फ क्वारंटीन रहना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।